ओके बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी ब्रिक वर्क में हम क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स, देन क्वांटिटी ऑफ मोर्टार, और क्वांटिटी ऑफ मोर्टार में सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, राइट। पहले तो हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे फ्रेम करते हैं, राइट। सपोज ये आपकी वॉल है, ओके, एंड रैंडम बना दिया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ओके, अब जो ब्रिक वर्क होता है ना, इसमें हमारे पास दो मटेरियल, राइट। एक तो ये आपको दिख ही रहा है, ये मटेरियल, एंड दैट इज व्हाट, ब्रिक, ओके। एंड दूसरा मटेरियल इसमें होता है, जो ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये एग्जैक्टली क्या होती है, ये होती है मोर्टार, राइट। अगर मैं मोर्टार को डिफाइन करूं तो मोर्टार एक एडमिक्चर है, एडमिक्चर है सीमेंट एंड सैंड का। मोर्टार इज एन एडमिक्चर ऑफ सीमेंट एंड सैंड। अब यहां पर एडमिक्चर वर्ड को समझिए, देखिए मिक्सचर तो आप समझते हैं, एडमिक्चर का मतलब डिफिनेट प्रपोर्शन में मिक्स करना, राइट। जब आप डिफिनेट प्रपोर्शन में मिक्स करते हो उसे हम बोलते हैं एडमिक्चर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, राइट। सो किस किस प्रपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं, देखो हमारे पास जनरली मोर्टार के तीन प्रपोर्शन होते हैं, राइट। 1:3 मतलब 1% सीमेंट एंड 3% सैंड, राइट। देन 1:4.5, हाउएवर हम यूज 1:4 भी कर लेते हैं, 1:5 भी कर लेते हैं, एंड 1:6, राइट। ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इसमें, राइट, इसीलिए इसे स्ट्रॉन्ग मोर्टार भी कहते हैं। इसे हम बोल देते हैं मॉडरेट, और इसे हम बोल देते हैं वीक। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस हम 1:6 ही यूज करते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब कि अगर आपको इस पूरे ब्रिक वर्क की क्वांटिटी करनी है ना, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स, राइट। ब्रिक्स नंबर में आते हैं, ब्रिक्स के लिए हम नंबर्स निकालेंगे, राइट। जो ब्रिक्स है इसके लिए हमें क्या चाहिए, नंबर्स, राइट, ओके। नाउ अब एडमिक्चर मतलब मोर्टार, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसमें मिला हुआ है सीमेंट एंड सैंड। अब सीमेंट किसमें आता है, सीमेंट आते हैं बैग्स में, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीमेंट के लिए कि कितने बैग्स ऑफ सीमेंट लगेगा, राइट। एंड सैंड किसमें आता है, वॉल्यूम में, यानी क्यूबिक मीटर में, यानी सैंड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड इन क्यूबिक मीटर, राइट। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, बहुत बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी चीजें हैं, अगर आप वो ध्यान रखेंगे आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं स्टेप वन, उससे पहले लिख लेते हैं गिवन वैल्यूज, राइट। गिवन है दैट हाइट इज 3 मीटर, लेंथ इज 4 मीटर, राइट, एंड थिकनेस या फिर डेप्थ जो भी गिवन है दैट इज 200, राइट। अब देखो ब्रिक में अगर मैं ये वॉल्यूम निकाल लेता हूं तो मुझे टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा वॉल का, जिसमें इंक्लूडेड होगा क्या, ब्रिक्स का वॉल्यूम प्लस मोर्टार का वॉल्यूम, राइट। मतलब कि अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूं, इसको मैं वॉल्यूम बोलता हूं, एंड दैट वॉल्यूम इज वॉल्यूम ब्रिक्स प्लस वॉल्यूम मोर्टार, क्या मैं सही बोल रहा हूं, राइट।
बिल्कुल, इसमें वॉल्यूम ब्रिक्स का भी इंक्लूडेड होगा और मोर्टार का भी इंक्लूडेड होगा, राइट। तो ये वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसी को टोटल वॉल्यूम बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम, राइट। दैट वुड बी 3 × 4 × 0.2, और अगर इसी को सॉल्व करोगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 12 × 0.2, दैट इज 2.4 क्यूबिक मीटर, क्या आ जाएगा 2.4 क्यूबिक मीटर। हमें टोटल वॉल्यूम तो पता चल गया, राइट। लेकिन अगर टोटल वॉल्यूम में वन ब्रिक का वॉल्यूम में डिवाइड कर दूं, क्या नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे, नहीं आएंगे यार, क्यों, क्योंकि उसमें मोर्टार इंक्लूडेड है, देखो तभी तो मैंने स्पेशली लिख दिया है, राइट। तो फिर हम क्या करें, स्टेप टू, अगर हम मोर्टार के साथ ब्रिक का साइज ले लें, राइट, मोर्टार के साथ ब्रिक का साइज ले लें, फिर वन ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लें, राइट, तब हमने मोर्टार इंक्लूड कर लिया होगा, तो फिर जो आएगा वो सिर्फ ब्रिक का नंबर आएगा। देखो कैसे, हम क्या करेंगे, साइज ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल टू क्या होता है, जनरल साइज 190 × 90 × 90, यही तो होता है, राइट, 190 × 90 × 90। अब ये साइज क्या है, सिर्फ ब्रिक का साइज है। कंसीडर 10 mm ऑफ मोर्टार, मतलब एक ब्रिक है, राइट, उसमें हमने 10 mm का मोर्टार तीनों साइड्स में कंसीडर कर लिया है। अब इस ब्रिक का साइज क्या हो जाएगा, नाउ साइज ऑफ ब्रिक विद मोर्टार, विद मोर्टार, साइज ऑफ द ब्रिक विद मोर्टार क्या हो जाएगा, 200 × 100 × 100 × 100 × 100, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो मीटर में क्या हो जाएगा, 0.2 × 0.1 × 0.1, मीन्स 0.002 क्यूबिक मीटर, 0.002 क्यूबिक मीटर। यहां तक समझ में आ रहा है, राइट। अब अगर हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है, अब निकल आएंगे स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री, नंबर ऑफ ब्रिक्स अब निकल आएंगे, राइट। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला निकाल रहा हो तो क्या लगाओगे, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोर्टार, चलो दोनों चीजें आपको पता है, दैट वुड बी 2.4 डिवाइडेड बाई 0.002। चलो सॉल्व कर देते हैं, 1200 आएगा, बट हम एक बार चेक कर लेते हैं, 2.4 डिवाइडेड बाई 0.002 एंड दैट वुड बी 1200। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आ गई, 1200 नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गई हमारे पास। हमारा एक काम तो चलो खत्म हो गया कि हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गए। अब हमें दूसरा काम देखना है, यहां पर क्या देखना है, देखो सिर्फ ब्रिक्स से तो काम नहीं चलेगा, हमें मोर्टार का भी क्वांटिटी निकालना है, राइट। तो मोर्टार का क्वांटिटी निकालने कैसे निकलेगा, हम ये देख ले पहले कि ब्रिक कितना क्वांटिटी कैरी कर रहा है, मतलब कितना वॉल्यूम कैरी कर रहा है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स कितना होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक्स 1200 मल्टीप्लाइड बाय, अब ओरिजिनल साइज इंक्लूड करिए यहां पर ब्रिक में, मींस 0.09 × 0.09, समझ में आ रहा है, राइट, 1200। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट वुड बी 1200 × 0.19 × 0.09, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.8468 क्यूबिक मीटर, मतलब अब थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है,
मतलब क्लैरिटी क्या आ रही है कि इस टोटल वॉल्यूम में, जिसमें इंक्लूड था वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स और वॉल्यूम ऑफ मोर्टार, उसमें से इतना वॉल्यूम किसका है? सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स का है। तो अगर आपको निकालना हो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार तो क्या आप निकाल सकते हैं? अगर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ मोर्टार तो क्या निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली टोटल वॉल्यूम में ये वॉल्यूम हटा दो, इज 2.4 माइनस 1.846 माइनस आंसर एंड दैट इज 0.5532 क्यूबिक मीटर, 0.5532 क्यूबिक मीटर। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, राइट? मतलब 1200 नंबर ऑफ ब्रिक्स लगे, राइट? एंड इतने क्यूबिक जो वॉल्यूम है मोर्टार का वो इतना है। अब आपको वॉल्यूम पता चल गया है तो सीमेंट एंड सैंड को अलग अलग निकाल लेते हैं, राइट? स्टेप नंबर 4 में आ जाते हैं, देखते हैं। ओके, यहां से देखते हैं स्टेप 4। अगर कोई डाउट है आप पीछे जाकर देख सकते हैं, राइट? अब देखो ये जो वॉल्यूम है ना, हम पेस्ट कैसे करते हैं? हमारे पास मोर्टार में दो वॉल्यूम होते हैं, एक होता है वेट वॉल्यूम और एक होता है ड्राई वॉल्यूम। पहले वेट वॉल्यूम समझिए क्या है, कि जब हमने सीमेंट और सैंड में पानी मिला दिया, उसको पेस्ट बना दिया ताकि हम उसे ब्रिक में यूज कर पाए, ब्रिक वर्क में, वो होता है वेट वॉल्यूम। तो यहां से जो वॉल्यूम आया है ना वो वेट वॉल्यूम आया है, कि इतना वॉल्यूम जब पेस्ट हो गया ब्रिक के साथ तभी तो आया वॉल्यूम, राइट? तो वो क्या है? वेट वॉल्यूम। लेकिन जब हम ड्राई, अब वेट तो ऑर्डर नहीं करोगे ना तुम, तुम्हें तो ऑर्डर करना है, तो कैसे ऑर्डर करोगे? ड्राई ऑर्डर करोगे। तो इस वेट वॉल्यूम को ड्राई में कन्वर्ट करना पड़ता है। एज वी नो कि जैसे ही हम ड्राई चीज में पानी मिलाते हैं उसकी डेंसिटी बढ़ती है, राइट? सो जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। पानी मिलाने से वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। आप आटा लो, है ना, उसमें पानी मिला दो, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो एग्जैक्टली वॉल्यूम आया है 0.5532 क्यूबिक मीटर, ये वॉल्यूम है वेट वॉल्यूम, राइट? इसे कन्वर्ट करेंगे हम ड्राई वॉल्यूम में। किसमें कन्वर्ट करेंगे? ड्राई वॉल्यूम में। और उसके लिए फैक्टर होता है 1.33, राइट? 1.33, 1.54 फैक्टर होता है आरसीसी के लिए। मतलब हम कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो उसमें वेट और ड्राई का कन्वर्जन करता है 1.54, बट इन दैट केस ये जो कन्वर्जन करेगा 1.33 मींस 0.5532 इनटू 1.33, राइट? आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.5532 मल्टीप्लाइड बाय 1.33 ये आता है 0.735756 0.735756 क्यूबिक मीटर। अब इतना मोर्टार है आपके पास, इतने मोर्टार में आप बताओ कि सीमेंट कितना है, सैंड कितना है, राइट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर ये आपको बताना है ना तो आप क्या करोगे, पता है आपको? पहले हमें पता होनी चाहिए कि मोर्टार का प्रपोर्शन क्या है, कैसे मिक्स किया गया है। कंसीडरिंग लेट मोर्टार इज ऑफ ग्रेड 1:6, राइट? अब 1:6 का मतलब क्या है? ये क्या है? सीमेंट है और ये बेचारा क्या है? सैंड, राइट? अब देखो रेशियो और प्रपोर्शन का थोड़ा सा काम है यहां पर। इस पूरे का अगर देखो तो कितना है? 7 है। 7 में 1 कितना है सीमेंट के पास और 6 कितना है सैंड के पास, यही तो होता है रेशियो, राइट? यानी सीमेंट के पास कितना वॉल्यूम होगा? सीमेंट के पास होगा 1/7 ऑफ 0.735756, राइट? एंड सैंड के पास कितना होगा? 6/7 ऑफ 0.735756। अब अलग अलग वॉल्यूम यहां से हमें मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, आंसर डिवाइडेड बाय 7 गोज टू सीमेंट एंड दैट इज 0.105108 क्यूबिक मीटर, राइट? एंड मल्टीप्लाई कर दे अगर इसी को 6 से तो
तो ये मिल जाएगा 0.630648 क्यूबिक मीटर। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड सैंड आ गया है। अब सैंड को तो हम इसी वॉल्यूम से मंगा लेंगे राइट, बट सीमेंट के लिए हमें नंबर ऑफ बैग चाहिए। तो इसके लिए मैं यहां पर थोड़ा सा जगह लूंगा आपके और आसानी से मिल जाएगा। अब देखो, अगर आपको ये पता है कि इतना वॉल्यूम हमें चाहिए सीमेंट का, और अगर हमें सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम पता हो राइट, तो ये काम आसान हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बैग राइट। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं बट आपको समझ में आ रहा होगा। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड दैट इज 0.105108 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बैग इन क्यूबिक मीटर इज 0.035। यहां से बैग्स आ जाएंगे, मींस 0.105108 डिवाइडेड बाय 0.035 इज इक्वल टू, और ये आ रहा है 3.0030 राइट। मतलब क्या हो जाएंगे, 3 बैग्स करेक्ट। ब्रिक्स कितनी आई थी, 1200 ब्रिक्स, सीमेंट 3 बैग्स एंड सैंड दिस मच क्वांटिटी राइट। तो एक ब्रिक वर्क में हम नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड नंबर ऑफ बैग्स फॉर द सीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न कि हम कंक्रीट में मींस स्लैब में, बीम में, कॉलम में कंक्रीट कैसे कैलकुलेट करते हैं राइट। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। थैंक यू एवरीवन।